होता है बेटा? टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ अपने आप में क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से हम लोग क्या समझते हैं कि जब सारा ब्लड आर्टरी से क्या जाएगा, आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल से कहाँ जाएगा? कैपिलरीज, और कैपिलरीज से बॉडी के हर एक टिश्यू में जाएगा। अब फिर क्या होगा, टिश्यू से ब्लड फॉर्म होगा, फिर से कैपिलरीज, और कैपिलरीज से कहाँ जाएगा? वेन्यूल्स, और वेन्यूल से कहाँ जाएगा? वेन्स। बट इस टाइम पर कुछ पार्ट ऑफ द ब्लड कहाँ रह जाएगा? टिश्यू में ही रह जाएगा, और ये ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएगा। ये कहाँ नहीं जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएगा, ये एक अलग सेट ऑफ कैपिलरीज में जाएगा, जिन्हें हम लोग कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। क्या कहते हैं? लिम्फ कैपिलरीज जॉइन होकर, लिम्फ कैपिलरीज जॉइन होकर लिम्फ वेसल्स बनाएगी, और लिम्फ वेसल्स में ये फ्लूइड फ्लो होगा। तो ये जो फ्लूइड है जो टिश्यू में रह जाता है, जो येलोइश व्हाइट इन कलर होता है, इसमें प्रीडोमिनेंटली क्या होता है? वॉटर प्लस सर्टेन सेट ऑफ प्रोटीन्स, वॉटर प्लस सर्टेन सेट ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हम लोग अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं, प्लस प्लस फैट्स प्लस। जब आपसे पूछा जाता है कि लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं लिम्फ फैट स्टोर करता है। लिम्फ क्या करता है? फैट स्टोर करता है। लिम्फ कैपिलरीज में कुछ कुछ जगह पे गुच्छे बने हुए, जिन्हें हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ कैपिलरीज में कुछ कुछ जगह गुच्छे बने हुए, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स। और इस लिम्फ नोड्स में क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं। इन लिम्फ नोड्स में एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। लिम्फ मतलब लिम्फ, साइट मतलब क्या होता है? सेल। तो लिम्फोसाइट्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, और ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का फंक्शन क्या होता है? टू फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन, टू फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन। तो इसका मतलब लिम्फ एज ए टिश्यू फ्लूइड के कितने फंक्शंस होंगे? दो। पहला फंक्शन क्या होगा? टू स्टोर फैट, और दूसरा क्या? टू फाइट अगेंस्ट इंफेक्शंस विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी आया समझ में? जब हम लोग एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो एक्सक्रीशन अगेन हमको किससे पढ़ना है? दो पार्ट से पढ़ना है, एक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। पहले हम लोग अगेन क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बुद्धि उसमें नहीं लगानी, ठीक है ना। जब हम लोग प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की बात करते हैं, जब हम लोग प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पांच से छह तरीके से होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है? पांच से छह तरीके से। पहला, जितनी भी गैसेस रहेगी, जितनी भी वेस्ट गैसेस रहेगी, वो किससे बाहर चले जाएगा? स्टोमेटा से। यानी कि जब प्लांट को रेस्पायर करना होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी अ वेस्ट, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी अ वेस्ट, तो वो किससे निकल जाएगा? प्लांट से, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है ना। जब प्लांट को एक्सेसिव वाटर रिमूव करना है, तो वो किस प्रोसेस से करेगा? ट्रांसपिरेशन से। जब प्लांट को एक्सेसिव वाटर रिमूव करना है, तो वो किसकी हेल्प से करेगा? ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन भी अगेन किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो पहला वेस्ट क्या था? गैसेस किससे रिमूव हो गया? स्टोमेटा। दूसरा वेस्ट क्या था? एक्सेसिव वाटर, वो किससे रिमूव हुआ? अगेन स्टोमेटा। कुछ डेड और ड्राई लीव्स है, कुछ डेड और ड्राई लीव्स है, वो आसपास सॉइल वहीं पर गिर जाएगी, ठीक है ना। देन प्लांट्स का कुछ वेस्ट कहाँ स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर वैक्यूल्स। सो सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारा वेस्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा? उन वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा। कुछ वेस्ट किस फॉर्म में स्टोर होगा? इन द फॉर्म ऑफ रेजिंस और गम्स। तो ये स्टेम में रहते हैं, स्टेम में एक स्पेशल टिश्यू रहता है, जिसमें रेजिंस और गम्स के फॉर्म में वेस्ट क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। आई बात समझ में? और बहुत सारे क्या बेटा, गम्स और रेजिंस कमर्शियल यूज के होते हैं, जैसे रेजिंस टायर और गम्स भी बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, लेकिन वो प्लांट के लिए तो क्या है? वेस्ट ही है, ठीक है ना। और कुछ चीजें इन एंड अराउंड सॉइल, बहुत सारी चीजें प्लांट की, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, वेदर ऑफ हो गए, वही गिर जाएंगे। तो दिस इज वॉट योर एक्सक्रीशन इन प्लांट। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग हम लोग को नहीं लगाना, क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? चलो,
जब हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इंसानों में जो टॉक्सिक वेस्ट रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली डील्स विद फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। एक्सक्रीशन किससे डील करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या कहा था हम लोगों ने, बस को क्या बोला था, ब्लड को क्या बोला था, एक बस है, ये हॉर्मोन्स भी कैरी करेगी, ये खाना भी कैरी करेगी, ये गैसेस भी कैरी करेगी, ये हर चीज कैरी करेगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये वेस्ट भी कैरी करेगी, लेकिन अगर ये वेस्ट इस बस में ज्यादा देर रहा तो क्या होगा, बस खराब हो जाएगी। यानी कि इस बस को रेगुलर बेसिस पे क्या करना जरूरी है, फिल्टर करना जरूरी है और इसमें से टॉक्सिक वेस्ट निकालना भी जरूरी है, क्लियर है। तो इस बस को साफ करने की जिम्मेदारी किसने लेके रखी है, हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जब हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर दिख रहा है सब लोग को, जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम लोग को दिख रही होगी रीनल आर्टरी, दिख रही है रीनल आर्टरी के पास में जबकि हुई दिखी की रीनल वेन। अब सुनो, क्योंकि रीनल आर्टरी है, क्योंकि रीनल आर्टरी है तो ये क्या करेगी, हार्ट से ब्लड लेकर आएगी। मुझे यहाँ पे सुन, जब भी हम लोग एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉट टॉक्सिक वेस्ट। आए समझ में, टॉक्सिक वेस्ट कौन से होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, इन चीजों को बाहर फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आय, व्हाई इज दिस वर्ड आर्टरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट, ओके। एंड व्हाई इज द वर्ड रीनल वेन इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज जब आपका ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो इसको वापस हार्ट तक कौन ले जाएगा, यानी कि इररिस्पेक्ट, देखो जाहिर सी बात है आर्टरी यानी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर आएगी, लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेशन नहीं रखता है, हमारा पर्पस क्या है कि जो भी ब्लड आएगा उसमें से टॉक्सिक वेस्ट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और ये जो ब्लड है वंस इट हैज गॉट इट्स टॉक्सिक वेस्ट रिमूव्ड, ये कहाँ करेगा, ये वेन से वापस से हार्ट में भेज देगा। अरे ये क्या बात समझ में, क्या फिर आगे हार्ट जाने और लंग्स जाने, क्या ऑक्सीजन डालना है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड। किडनी तो क्या बोलेगी, मैं तो भैया अपना क्या काम कर लिया, टॉक्सिक वेस्ट रिमूव कर दिया। आया समझ में, क्लियर, ठीक है ना। अब जब हम लोग रीनल आर्टरी की बात करते हैं तो रीनल आर्टरी क्या करेगी, ब्लड लेकर आएगी टूवर्ड्स किडनी। किडनी तुम लोग को दिख रहे हैं दो बीन शेप के ऑर्गन, ठीक है ना। किडनी का फंक्शन क्या होता है, टू फिल्टर ब्लड, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। किडनी का फंक्शन क्या होता है, टू फिल्टर ब्लड, आई बात समझ में, यानी कि ब्लड में से सारे टॉक्सिक वेस्ट निकाल के एक्सेसिव ग्लूकोज, एक्सेसिव अमीनो एसिड, जो भी एक्सेसिव सॉल्ट, जो भी चीज ब्लड में रिक्वायर्ड से ज्यादा अमाउंट में, उसको वो क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। इसलिए किडनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लियर है। नेक्स्ट, किडनी में जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट बचेगा, जो फिल्ट्रेट बचेगा जिसको हमको बॉडी के बाहर थ्रो करना है, दैट इज व्हाट योर यूरिन, वो क्या होती है, यूरिन। यूरिन क्या, एक लिक्विड है जिसमें हमारे ब्लड के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे जिसको हमको बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है, राइट। वो यूरिन क्या करेगी, वो यूरिन यूरेटर, दो लंबे पाइप दिख रहे हैं यूरेटर, ऐसे झरने जैसे निकल रहे हैं, अरी बात समझ में, यूरेटर से कहां जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तुमको देखो एक बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने ग्रीन कलर से गजड़ 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 करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो गजड़ गजड़ है ये यूरिन है, ठीक है ना। तो यूरेटर से देखो यूरिन निकली ग्रीन कलर में, वैसे येलो होना था बट आई मीन इट ग्रीन, ओके। और ये यूरिन कहां गई, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। यूरेथ्रा में नहीं जाती, कि निकल ही गई बॉडी के बाहर। पहले क्या होता था ना, पुराने जमाने में आपकी जो यूरेथ्रा की मसल्स होती थी आपके कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि यूरिन आया ब्लैडर में और बाहर, आया समझ में। इवेंचुअली थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस यूरेथ्रा की जो मसल्स है अब ह्यूमन कंट्रोल में, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर भरा रहता है जब तक आपकी इच्छा नहीं हो उसको खाली करने की, आ रही बात समझ में, ठीक है। जब तुम बच्चों को देखते होगे तो जो बच्चे रहते हैं उनका अपनी यूरेथ्रा यूरेथ्रा मसल पे कंट्रोल नहीं होता है, देखा है, उनकी जब इच्छा होती है व्हेनेवर दे फील लाइक थ्रोइंग यूरिन यूरिन आउट ऑफ द बॉडी दे डू इट, बिकॉज़ दिस कंट्रोल कम्स विद टाइम, बिकॉज़ आवर बॉडी हैज इवॉल्वड फॉर दिस प्रोसेस, आ रही बात समझ में।
तो यूरेथ्रा वो ओपनिंग होती है जिससे यूरिन हमारी बॉडी के क्या आ जाए, बाहर आ जाए. इज दैट क्लियर? क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल अच्छे से शांति चैन सुकून से क्लियर है? ध्यान से देखना ये जो चीज है ना बेटा, ये जो डायग्राम दिख रहा है तुम लोग को, ये दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन. क्या कहते हैं? नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट. नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट. मतलब हम लोग जब चीख रहे थे ना, किडनी क्या करती है? अरे ब्लड फिल्टर करती. किडनी क्या करती है? अरे ब्लड फिल्टर करती. किडनी क्या करती है? तो ये जो किडनी ब्लड फिल्टर करती है ना, तो किडनी नहीं करती. किडनी के अंदर बहुत सारी छन्नियां होती है जो एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करती है. ये जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, ये जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो एक्चुअली मेन काम करती है, किस चीज का? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. दिस इज डन बाय whom? दिस इज डन बाय नेफ्रॉन. आ रही है बात समझ में? किडनी के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं. फिर से बोलो, किडनी के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं जो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फिल्ट्रेशन का. आ रही है क्या बात समझ में? अब तुम लोग जब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा एक कटोरे जैसा स्ट्रक्चर. दिख रहा है क्या? ठीक है, ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है. याद से देखो, दिस इज बोमैन्स कैप्सूल. व्हाट इज दिस? दिस इज बोमैन्स कैप्सूल. ठीक है क्या? ठीक है. इस बोमैन्स कैप्सूल के अंदर जाकर देखोगे तब तुम्हें एक कैपिलरीज का गुच्छा दिखेगा. दिख रहा है क्या कैपिलरीज का गुच्छा? ये देखो जहां पे मैं ग्रे कलर कर रही हूँ, दिस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. टफ्ट ऑफ कैपिलरीज तो क्योंकि ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. ठीक है. सो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. ये कैपिलरीज का गुच्छा है और ये किसके अंदर पड़ा होता है? बोमैन्स कैप्सूल. किसके अंदर पड़ा होता है? बोमैन्स कैप्सूल. ठीक है ना. जब हम लोग बोमैन्स कैप्सूल से थोड़ा सा नीचे आगे की तरफ बढ़ेंगे तब हमें दिखेगा क्या कि ये देखो, ये यहाँ से जा रहा है, फिर बीच में यहाँ गजड़ गजड़ है, कुल मिला के घूम फिर के ये कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है. दिख रहा है मेरा पेन जहाँ पे पर्पल हाईलाइट हो रहा है? ये घूम फिर के यहाँ आ रहा है और एक यू शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है. दिख रहा है? ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनली. क्या कहते हैं इसे हम लोग? लूप ऑफ हेनली. दिखा लूप ऑफ हेनली? हेनले. एच ई एन L-E. आई बात समझ में? जब हम लोग लूप ऑफ हेनली से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग लूप ऑफ हेनली से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक H शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहाँ पर एक H शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ये जो कलेक्टिंग डक्ट या ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? यूरेटर से. किससे कनेक्टेड होता है? आई बात समझ में? ठीक है. अब यहाँ पर तुम लोग को दो तरह की ब्लड कैपिलरीज दिख रही होगी, एक दिख रही होगी ग्रीन कलर में और एक दिख रही होगी ब्लू कलर. दिख रही है? ये जो ग्रीन कलर की है, इनके आगे देखो क्या लिखा हुआ है? ब्रांच ऑफ रीनल वेन. क्या लिखा हुआ है? ब्रांच ऑफ रीनल वेन. और ये कनेक्टेड किससे बेटा? रीनल आर्टरी की ब्रांच से कनेक्टेड है. ये किससे कनेक्टेड है? रीनल आर्टरी की ब्रांच से कनेक्टेड है. इज दैट क्लियर? क्या नेफ्रॉन का डायग्राम सभी को क्लियर है? चलो ध्यान से देखो, जब हम लोग बात करते हैं किसकी? फिल्ट्रेशन की. तो जब नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है तो वो तीन स्टेप्स में होता है. कितने स्टेप्स में होता है? तीन. स्टेप वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्टेप टू इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन एंड स्टेप थ्री इज ट्यूब्यूलर सीक्रीशन. ट्यूब्यूलर सीक्रीशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है. तो तुम्हारे कोर्स में क्या है? दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. अब अगर तुम्हें ध्यान से देखो तो क्या तुम्हें बोमैन्स कैप्सूल दिख रहा है? जहां तुम्हें बोमैन्स कैप्सूल दिख रहा होगा, ये वाली जगह पर,
ये बेसिकली क्या है बेटा, एक छन्नी है, ये क्या है, छन्नी। और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिख रहा है, जो ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, रीनल आर्टरी की ब्रांच से बहुत सारा ब्लड लेकर आ रहा है। अब ये ब्लड इस छन्नी में छन जाएगा, अब ये ब्लड इस छन्नी में क्या हो जाएगा, छन जाएगा। जो चीज छनकर नीचे आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। जो चीज छनकर नीचे आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। तो ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, इसमें क्या क्या होता है बेटा, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी कि कुल मिला के ग्लोमेरुलस में क्या रह जाते हैं, ब्लड सेल्स। ग्लोमेरुलस में क्या रह जाते हैं, इसके अलावा ब्लड में जो भी कुछ है, इसके अलावा ब्लड में जो भी कुछ है वो सब छनकर कहाँ आ जाता है, वो सब छनकर स्ट्रेन होकर कहाँ आ जाता है, बोमांस कैप्सूल। ओके, इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाई इज इट नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज एग्जैक्टली लीविंग ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सारी चीजें, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, कुछ मिनरल्स, एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ द ब्लड इनटू द बोमांस कैप्सूल। क्लियर है क्या? तो ये जो ग्रीन हाईलाइट कर रहे हैं, क्या ग्रीन हाईलाइट आपको यू ट्यूब के शेप में भी दिख रहा है, यू शेप के ट्यूब में, ठीक है? हाँ, तो ये जो यू शेप का ट्यूब है, इसे हम लोगों ने क्या कहा, लूप ऑफ हेनली। क्या कहा? तो क्या हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया? हाँ, बट एक बात बताओ, क्या हमें ब्लड में से सारा ग्लूकोज बॉडी के बाहर भेजना है? नहीं। हमें सारे सॉल्ट बॉडी के बाहर भेजने हैं? नहीं। हमें क्या सारे अमीनो एसिड बॉडी के बाहर भेजने हैं? क्या हमें सारा यूरिया बॉडी के बाहर भेजना है? हाँ, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट नीड्स टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। बट क्या पूरा वाटर बाहर भेजना है? नहीं, लेकिन कुछ तो भेजना है जो एक्सेस में। हाँ, क्या पूरा ग्लूकोज बॉडी के बाहर भेजना है? एग्जैक्टली। तो कहानी क्या है, एंजल ने बहुत शॉर्ट में समझाया, बोला दीदी टाइम वेस्ट मत करो ज्यादा। कुल मिला के कहानी ये है कि जो जो चीज बॉडी में जितने जितने अमाउंट में चाहिए वो रखनी है, बाकी अगर कुछ एक्सेसिव ग्लूकोज है तो उसको बाहर भेजेंगे, एक्सेसिव सॉल्ट है तो उसको ही बाहर भेजेंगे, जो एक्सेसिव अमीनो एसिड है उसको भी बाहर भेजेंगे। पर हम करते उल्टा है, हम लोग जो काम का होता है वो रीअब्सॉर्ब करवा लेते हैं, तो बाकी बचा हुआ ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। यानी कि जब ग्रुप ऑफ हेनली में से, जब ग्रुप ऑफ हेनली, ये ग्रुप ऑफ हेनली में से पूरा ब्लड फ्लो होगा, लेकिन साथ में देखो तुमको एक ब्रांच ऑफ रीनल वेन रन करती भी दिख रही है। क्या ये क्या बोलेगी, ओए पानी तो पूरा नहीं जाएगा, तुझमें से काफी सारा अमाउंट मुझे वापस चाहिए, एक ग्लूकोज देखो भी पूरा नहीं जाना है, तो उसमें से 120 मिलीग्राम मैं रखूंगी, बाकी भले बॉडी के बाहर जाए। रीनल वेन सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करेगी, सारी चीज रीअब्सॉर्ब करेगी क्या? नहीं, बट जो चीज जितने अमाउंट में काम किए, दोनों चीजें, जो चीज काम किए और जिस अमाउंट में वो काम किए वो उसको क्या करती जाएगी, रीअब्सॉर्ब करती जाएगी। अब रीअब्सॉर्प्शन के बाद देखो जो हमारा ब्लड है वो कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है, इधर से इधर। अभी कौन से कलर का हो गया, येलो, क्योंकि ये प्योर क्या है, वेस्ट, ये टॉक्सिक वेस्ट है और वो सारी चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, यूरिन। और ये यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा और हमारी बॉडी के बाहर चला जाएगा। सो इन दिस वे द स्टेप 1 वाज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वेरिन ब्लड सेल्स को छोड़ती सारी चीजें फिल्टर हो गए, कहाँ आ गई, बोमैंस कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल में क्या क्या आया, वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस यूरिया प्लस अमीनो एसिड प्लस सर्टेन सेट ऑफ मिनरल्स। स्टेप 2, ये कहाँ घूम रहा था, लूप ऑफ हेनली में, वेरिन ब्रांच ऑफ रीनल वेन आई और उसने क्या बोला, जो जो चीजें काम की है वो सारी मैं रीअब्सॉर्ब कर रही हूँ, आर्टरी कनेक्टेड रहती बेटा, ये घूम घूम के वापस से क्या करती है, उधर चले जाती है, ठीक है ना, हार्ट में नहीं जाती, बॉडी पार्ट्स का कुछ ब्लड देती है, प्लस वो टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलस के अंदर फिर से चली जाती है, फिर वहां से निकलती है एफेरेंट और अपेरेंट, उधर दिमाग मत लगाओ, क्लियर है? तो रीनल वेन सारा का सारा काम की चीजें क्या करेगी, रीअब्सॉर्ब करेगी, जैसे अमाउंट में रहे। इस फर्स्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और जो बच जाता है इसके बाद वो क्या रहता है, यूरिन रहता है। यूरिन कहाँ फ्लो होता है, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ जाता है, यूरेटर,
यूरेटर से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, वेयर फ्रॉम वेयर इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. इज दैट क्लियर? कोई परेशानी? सबसे पहला ऑर्गन देखा क्या? ग्लोमेरुलस. व्हाट इज ग्लोमेरुलस? इट इज नथिंग बट अ टक्ट ऑफ कैपिलरीज दैट ब्रिंग ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन. फिर हमने देखा बोमैन्स कैप्सूल, तो ये कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड को क्या करता है? फिल्टर कर देता है. ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट निकलता है बोमैन्स कैप्सूल में, उसमें क्या क्या होता है? वाटर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं और यूरिया होता है. यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? लूप ऑफ हेनली में. ठीक है, तो द फिल्ट्रेट फ्लोस थ्रू लूप ऑफ हेनली वेयर अ ब्रांच ऑफ रीनल वेन रीअब्सॉर्ब्स द मटेरियल्स नीडेड फॉर द बॉडी. इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव reabsorption. collecting tub में क्या होगा? the filtrate left in the loop of Henle after reabsorption is urine. ठीक है ना? the urine passes through the collecting tub and then to the ureter. is that clear? so इस तरीके से क्या होता है हमारा किडनी का फंक्शन क्या होता है? देखो, ureter से कहाँ जाएगा? urinary bladder से कहाँ जाएगा? urethra, और urethra से body के बाहर चला जाएगा. is that clear? किडनी हमारी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. कितना बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन? कुछ भी खराब हो जाए, कभी किडनी खराब नहीं होनी चाहिए. इसलिए जब पिक्चरों के गाने बनते हैं तो हीरो क्या कमिट करता है? दिल दे दूंगा, जिगर दे दूंगा, जान दूंगा. किडनी देता है क्या? नेवर, नेवर. क्यों? हार्ट खराब हो गया, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, पेसमेकर लग जाएगा, बाईपास सर्जरी हो जाएगी. आई वचन में लिवर जो है दिया करता है किडनी. एक और बात भी खेलेंगे, दिया के सवाल का जवाब भी देंगे. लिवर भी क्या है? आधा अधूरा काट दो तो बाकी बचा हुआ काम कर लेता है, उग जाता है अपने आप. कोई जरूरत नहीं, इससे हीरो बोलते हैं लग लिवर भी ले ले जिगर. बट किडनी देता है क्या कभी? नहीं. व्हाई? हीरोइन भी देती है क्या? नो. किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीजंस, रीजंस, रीजंस. किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट रिमूव कर रहा है. वन. टू, जब किडनी 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 देने की बात आती है, जैसे जिया ने बोला कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन देगा कौन? क्यों? क्योंकि जैसे मिस्टर एक्स का क्या हुआ? किडनी खराब हो गया. तो किडनी दो होते हैं. डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला क्या? किडनी खराब हो गई है. तो वो बंदा बोलेगा, अरे डॉक्टर साहब, दूसरी तो है, वो तो कब से खराब थी? क्योंकि एग्जैक्टली जब आपकी किडनी खराब होती है और एक किडनी जस्ट केस खराब हो भी जाती है तो आपको पता ही नहीं चलता है, बिकॉज़ द अदर किडनी इज फंक्शनिंग वेल एंड इट्स टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द बॉडी. व्हेन डू यू रियलाइज दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, यू रियलाइज दैट द बोथ किडनीज आर नॉट वर्किंग. बहुत कम अवेयर लोग होते हैं जो रेगुलर मेडिकल चेकअप से जाते हैं, जिनको पहली किडनी में पता चल जाता है कि भैया खराब हो गई है, दूसरी को संभाल कर रखना है. वन. टू, किडनी अगर आप प्यार किसी से किसी को ज्यादा भी है और वो देने को तैयार भी हो जाए तो परेशानी रहती है कि जो एक्सेप्टर ऑफ किडनी है और जो डोनर ऑफ किडनी है, उन दोनों की किडनीज क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए. सो इफ इट डजंट मैचेस, हाउएवर यू आर रेडी टू गिव इट टू समबडी, इट शुड मैच इनसाइड द. ठीक है, ये बड़ा इशू रहता है. मानो मैच कर भी गए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कि मिस्टर एक्स ने मिस वाई को अपनी एक किडनी दे भी दी, क्या उस ट्रांसप्लांट के बाद भी कोई गारंटी है दैट मिस वाई या मिसेस वाई इज गोइंग टू सर्वाइव? नो. सो इवन आफ्टर अ सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट देयर इज नो 100% गारंटी दैट द पर्सन इज गोइंग टू सर्वाइव विद दैट ट्रांसप्लांटेड किडनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट मैक्स टू मैक्स यू डोंट नो, बिकॉज़ आपकी किडनी